धीरे धीरे सांस को भरें, धीरे धीरे छोड़ें। जितना आप इसको धीरे धीरे करेंगे उतना लाभ होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम स्पेशली हमारे ब्रेन के लिए होता है, रुकना नहीं है, करते रहना है। आप भी मानो अगर आप इसको 5 से 10 मिनट डेली करते हैं तो आपका दिमाग तेज होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, सर में दर्द नहीं होगा, चक्कर नहीं आएंगे, कमजोरी नहीं होगी, थकान नहीं होगी, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। ये लगभग सभी बीमारियों में लाभ करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में लगभग 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ होती हैं, सारी एकदम परिशुद्ध हो जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं, किसी प्रकार का आपको बॉडी में पेन नहीं होगा। अनुलोम विलोम करते रहते हैं तो इससे हमारा रक्त का संचार अच्छा होता है। डेली आप इसको 5-10 मिनट किया करें। विश्राम। अगला अब मैं आपको हाथों की सूक्ष्म व्यायाम कराता हूँ। जिनको कोहनी में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, हाथों में कंपन होता है, झंझनाहट होती है, उनके लिए केवल उंगलियां ऐसे 20 बार करते रहो, केवल उंगली। ये बहुत सिंपल अभ्यास है, इसको बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी, जवान सभी कर सकते हैं।